हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बिल्ड किया है बहुत ही शानदार हाई एंड गेमिंग पीसी, बहुत ही बढ़िया शानदार 8 GB पीसी जो की है इंटेल की तरफ से। दोस्तों आज जो हमने पीसी बिल्ड किया उसकी कुछ 1,35,000 रुपये 1,35,000 का मैंने यहाँ पे सीपी बिल्ड किया है जो की बहुत शानदार 8 GB पीसी और बहुत शानदार गेमिंग पीसी यहाँ पे है। तो दोस्तों पीसी कैसा बना है वो तो मैंने आपको दिखा दिया वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने आपको बता दिया कि पीसी किस तरह का बना है, कितना शानदार यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों मेरे कस्टमर है सीओर मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके लिए इस पीसी का बिल्ड हमने यहाँ पे किया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनकी टेक्निकल डिटेल क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है, इसके बाद हम पीसी के बेच में आपको चेक करेंगे। पीसी बिल्ड का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि पीसी बिल्ड का जो वीडियो था वो मैंने शूट नहीं किया था, मैं उसको भूल गया था, लेकिन जो पीसी बनाने के बाद का वीडियो है वो मैंने आपको पहले दिखा दिया कि पीसी किस तरह का यहाँ पे बना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू, जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है इंटेल की तरफ से एंड्रॉइड 12 जनरेशन i7-12700K जो कि एक बहुत शानदार गेमिंग चैंपियन सीपीयू रहता है इंटेल की तरफ से, एक बहुत ही शानदार हाई एंड यहाँ पे सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि किसी भी तरह की गेमिंग के लिए एडिटिंग के लिए एकदम शानदार रहता है, बहुत बढ़िया तरीके से आप गेमिंग एडिटिंग यहाँ पे ये करा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 31,000 रुपये 31,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है आसूस की तरफ से आने वाला Z590 गेमिंग प्लस का वाईफाई जो कि एक बहुत शानदार हाई एंड चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है, स्पेशली i7 i9 के सीपीयू के लिए एकदम बहुत शानदार रहता है। इंटेल के जो i7 सीपीयू आते हैं 12 जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया रहता है और i9 12 जनरेशन एकदम शानदार यहाँ पे रहता है, बहुत बढ़िया तरीके से सीपीयू को हैंडल कर लेता है, काफी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, साथ ही इसमें वाईफाई ब्लूटूथ भी आता है, बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप कोई हाई एंड पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जैसे इंटेल का 12 जनरेशन i7 का सीपीयू बिल्ड करना चाहते हैं या i9 सीपीयू बिल्ड करना चाहते हैं तो ये वाला मदरबोर्ड इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया पीसी यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कोस्ट अभी 23,000 रुपए 23,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों ये जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम, तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है जीएसएल की तरफ से अभी टाइटल जेट 8 GB 3200 MHz की 32 GB 16+16 32 GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, 16+16 32 GB 3200 MHz की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, साथ ही 8 GB रैम इस्तेमाल की थी, बहुत ही शानदार यहाँ पे रैम रहेगी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, साथ ही 8 GB रैम इस्तेमाल की तो बहुत बढ़िया लुक यहाँ पे रैम के साथ पीसी का आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 9,000 रुपए 9,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है एसएसडी, तो एसएसडी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है एसपीजी की तरफ से NVMe 500 GB की 500 GB की एसएसडी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत बढ़िया स्पीड यहाँ पे मिलेगी, साथ ही एसपीजी की हमने जेन 4 एसएसडी इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि बहुत शानदार रहती है और बहुत ही बढ़िया स्पीड यहाँ पे आपको मिलती है, चाहे आप गेमिंग करें एडिटिंग करें और जब भी आप इसी बिल्ड करते हैं तो एसएसडी का इस्तेमाल इसमें जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो एसएसडी हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 4,000 रुपये 4,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है सीगेट की तरफ से 2 TB हार्ड डिस्क ग्रीन बल्क और अगेन 2 TB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि इस बिल्ड के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत ज्यादा स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 500 GB की एसएसडी हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर ली है प्राइमरी स्टोरेज के लिए और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए 2 TB की हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर ली तो बहुत ही बढ़िया स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की 2 TB की उसकी कुछ 5,000 रुपए 5,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है लिक्विड कूलर AI, तो जो लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है लियोन ली का गैलाहैड 360 mm का ARGB लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत शानदार रहेगा, बहुत बढ़िया यहाँ पे कूलिंग मिलेगी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी क्योंकि जो हमने लिक्विड कूलर इस बिल्ड में इस्तेमाल किया साथ ही 8 GB है तो बहुत बढ़िया यहाँ पे लुक आएगा, 8 GB के साथ में 8 GB कैम के साथ में 8 GB रैम के साथ में बहुत बढ़िया यहाँ पे लगेगा। दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसके साथ में कोई कूलर नहीं आता है तो आपको अलग से कूलर इस्तेमाल करना पड़ता है, या तो आप एयर कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लिक्विड कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिक्विड कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 12,500 रुपए 12,500 में भी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई पीसीयू, जो पीसीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है डीपकूल की तरफ से आने वाला 750W 80+ गोल्ड में, एक बहुत ही शानदार पीसीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि इस बिल्ड के लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, सारे पार्ट्स के पावर का हैंडल कर लेगा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों जो पीसीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी उसे 6,500 रुपए 6,500 में भी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक कैबिनेट गेमिंग केस, तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है ज़ेरोनिक्स की तरफ से आने वाला हर्मस, एक बहुत ही शानदार 8 GB केस इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही शानदार रहता है, पूरी तरह से ग्लास इसमें रहते हैं, आगे भी ग्लास रहते हैं, साइड में ग्लास रहते हैं, काफी सारे फेन इसमें रहते हैं जो कि पूरी तरह से 8 GB रहते हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लगता है, बहुत ही शानदार लुक यहाँ पे ये देता है जैसा कि आपने वीडियो में पहले यहाँ पे देख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 9,000 रुपए 9,000 में अभी आपको ये मिल जाता है।
दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड जीपी। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जोटेक की तरफ से आने वाला RTX 3060 Ti डुअल फैन में 8 GB DDR6 में ग्राफिक्स कार्ड, एक बहुत ही शानदार हाई एंड गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि किसी भी तरह की गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बड़ी तरीके से आपकी गेमिंग यहाँ पे करा रहता है, साथ ही एडिटिंग के लिए एकदम शानदार रहता है। RTX सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है तो बहुत ही अच्छा रहेगा गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 36,500 रुपये 36,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल किए हैं, उनके टेक्निकल डिटेल फीचर कॉस्ट हमने देख ली है। तो आइए दोस्तों पीसी के बेंचमार्क को चेक करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों पीसी कैसा बना है वो तो आपने पहले ही देख लिया, काफी शानदार बना है। लुक की बात करते तो बहुत ही बढ़िया दिखा, क्योंकि जो केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है बहुत ही बढ़िया, एक RGB इस्तेमाल किया है, साथ ही RGB रैम इस्तेमाल किया है, बोर्ड भी जो है RGB और लिक्विड भी RGB इस्तेमाल किया, तो बहुत ही शानदार RGB यहाँ पे बिल्ड कर लिया है हमने। वहीं कंप्यूटर की बात करते तो सारे के सारे बहुत बढ़िया हाई एंड कंप्यूटर इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार हाई एंड गेमिंग चैंपियनशिप भी हमने बना लिया है। वहीं परफॉर्मेंस की बात करते तो इसके अंदर मैंने सिनेमैक्स टेस्ट करके देखा, जिसके अंदर मुझे 251 प्लस FPS मिल जाएंगे, यानी अगर गेमिंग करते तो 250 प्लस FPS आराम से मिल जाएंगे, बहुत ही बड़ी तरीके से आपकी गेमिंग एडिटिंग यहाँ पे करा देगा। तो दोस्तों आपका बजट भी अगर 130,000 से लेकर 140,000 के बीच में है तो आप सेम टू सेम वाला CPU बिल्ड कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट को आगे पीछे करके कुछ कंपोनेंट को चेंज करके एक बहुत शानदार PC बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई PC बिल्ड करवाना चाहते हैं, कोई PC खरीदना चाहते हैं, या फिर अगर ये वाला PC परचेस करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई गेमिंग PC परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड लाल घाट स्क्वायर भोपाल पे। और अगर भोपाल में रहते, भोपाल से बाहर रहते, तो हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह के PC ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पर पहुँचा देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर हमसे PC बिल्ड करवाते हैं, PC परचेस करते हैं, तो गेम्स आपको फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं देता है, साथ ही हमारी असेंबली सर्विस फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में रहकर आप PC परचेस कर रहे हैं, तो फ्री होम डिलीवरी करके और फ्री इंस्टॉलेशन करके भी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं PC बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।